क्या आप भी स्टॉक मार्केट्स में बल्क एंड ब्लॉक डील्स जैसे शब्दों में कंफ्यूज होते हैं? इफ यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम आपको समझाएंगे इन दोनों का कॉन्सेप्ट और इनके बीच का डिफरेंस भी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर बल्क डील्स? एनएससी या बीएससी में बल्क डील्स होती है। बल्क डील्स का आइडिया स्टॉक काउंटर्स में प्लेयर्स द्वारा लार्ज डील्स को रिपोर्ट करना है। सेबी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बल्क डील्स तब होती है जब किसी कंपनी के 0.5% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स का सिंगल क्लाइंट कोड के तहत कारोबार होता है। आमतौर पे दिन भर में हुई बल्क डील्स को एक साथ किया जाता है और फिर एंड ऑफ द डे एक्सचेंज को रिपोर्ट किया जाता है। बल्क डील्स का सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन में होना जरूरी नहीं है। इट कैन हैपन इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, बट इफ द टोटल साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मोर देन 0.5% of the capital of the company, it would classify as a bulk deal. Bulk deal reporting is done by the NSE and the BSE on a daily basis. Now, how are block deals different? Block deals bulk deals se different hai, kyunki aisi deals aamtaur pe single transaction hoti hai in a special window. इसलिए जब ब्लॉक ट्रेड को स्पेशल विंडो में रखा जाता है तो रेगुलर ट्रेडर्स अपने टर्मिनल में ऑर्डर नहीं देख सकते। दिस एंश्योर्स दैट द ट्रांजैक्शन गोज थ्रू स्मूथली विदाउट मल्टीपल प्लेयर्स स्पॉइलिंग द ट्रांजैक्शन। ब्लॉक डील विंडो में मिनिमम ऑर्डर साइज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स होगा ₹10 करोड़ का। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डील्स एंटेलिंग लार्ज चंक्स ऑफ शेयर्स आर नॉर्मली डन इन द ब्लॉक विंडो। Block deals are normally a single transaction or a handful of transactions. Well, I hope आपको bulk deal और block deal का concept समझ आ गया। ऐसे ही और interesting topics के लिए subscribe करें हमारा channel LinkX and stay updated. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.